राजनेता और अभिनेत्री को लेकर अक्सर प्यार और शादी की चर्चाएं सुर्खियों में देखने को मिलती रही है। इन्हीं सुर्खियों में एक नई प्रेम कहानी की चर्चा सोशल मीडिया और इन दिनों खूब देखने को मिल रही है। दरअसल अभिनेत्री परिणीति चोपड़ा और आप नेता राघव चड्ढा पिछले कुछ दिनों से अपने अफेयर की खबरों को लेकर लोगों के बीच काफी चर्चा में बने हुए हैं। दोनों को हाल ही में मुंबई में डिनर और लंच डेट पर साथ देखा गया था। उनके वीडियो और तस्वीरों ने सोशल मीडिया पर तूफान ला दिया है। साथ ही इन्हीं अफवाहों के बीच इस जोड़े को आप पार्टी के राज्यसभा सांसद संजीव अरोड़ा ने आशीर्वाद दिया है। उन्होंने इस प्रेम के गुब्बारे की चर्चा में और भी हवा भर दिया। संजीव अरोड़ा ने दोनों को बधाई दी। आपको बता दें, ये पहली बार है कि किसी आम आदमी पार्टी के नेता ने दोनों के रिश्ते को स्वीकार किया है। इससे पहले राघव चड्ढा खुद सवालों से बचते रहे और पार्लियामेंट परिसर में राघव चड्ढा मीडिया के सवाल पर बचते हुए कहते नजर आए कि उनसे राजनीति के सवाल पूछे जाएं, ना कि परिणीति चोपड़ा के। वहीं आपको बता दें कि संजीव अरोड़ा ने ट्वीट करते हुए लिखा, मैं राघव चड्ढा और परिणीति चोपड़ा को दिल से बधाई देता हूँ। उनका साथ भरपूर प्यार और खुशियों से भरा रहे, शुभकामनाएं। सांसद के इस ट्वीट ने अटकलों को काफी बल दे दिया। आपको बता दें, राघव चड्ढा और परिणीति चोपड़ा की दोस्ती काफी पुरानी है। दोनों एक दूसरे को यूके में पढ़ाई के बाद से जानते हैं। उनकी आपस में काफी अच्छी बनती थी क्योंकि वो एक दूसरे को जानते थे, एक दूसरे को पसंद भी करते थे और साझा रुचियां भी रखते थे। उनके परिवार एक दूसरे से परिचित हैं। दिलचस्प बात यह है कि राघव और परिणीति दोनों ने यूके में अध्ययन किया और व्यवसायिक क्षेत्र में शिक्षा प्राप्त की, जबकि राघव जो पेशे से चार्टर अकाउंटेंट है, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की कार्यकारी मास्टर कोर्स के लिए लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के। परिणीति 17 साल की उम्र में यूके चली गई और व्यवसाय वित्त में ट्रिपल ऑनर्स की डिग्री प्राप्त की और मैनचेस्टर बिजनेस स्कूल से अर्थशास्त्र किया। राघव, जिन्होंने भारत में चार्टर अकाउंटेंट संस्थान से CMA एक कोर्स भी किया था, डिलाइट ग्रांड थॉर्नटन के साथ काम किया और परिणीति कुछ समय के लिए यूके में वापस आ गई। कहा जा रहा है कि हाल ही में दोनों के परिवारों की मुलाकात भी हुई है। दोनों के जल्द ही सगाई करने की चर्चा भी है। हालांकि अभी तक कोई औपचारिक समारोह नहीं हुआ है, लेकिन परिवार इसके बारे में बात कर रहे हैं। शादी की अटकलों को उस वक्त भी हवा मिली थी जब परिणीति चोपड़ा को मशहूर फैशन डिजाइनर मनीष मल्होत्रा के घर स्पॉट किया गया था। सोशल मीडिया यूजर्स पूछ रहे थे कि क्या परिणीति शादी के लिए डिजाइन किए हुए कपड़े लेने आई हैं? वहीं परिणीति चोपड़ा के वर्क फ्रेंड के बारे में बताएं तो उन्हें आखिरी बार अमिताभ बच्चन, बोमन ईरानी और अनुपम खेर के साथ ऊंचाई में देखा गया था। परिणीति चमकीला में दिलजीत दोसांझ के साथ स्क्रीन स्पेस साझा करती नजर आएंगी। इम्तियाज अली द्वारा निर्देशित ये फिल्म दो लोकप्रिय पंजाबी गायकों अमरजोत कौर और अमर सिंह चमकीला के इर्द गिर्द घूमती है, जहां परिणीति अमरजोत की भूमिका निभाएंगी, वहीं दिलजीत को चमकीला के रूप में देखा जाएगा। वहीं राघव चड्ढा पंजाब से राज्यसभा के सदस्य हैं। परिणीति और राघव एक दूसरे को इंस्टाग्राम पर फॉलो भी करते हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि ये कपल कब अपनी शादी की ऑफिशियल अनाउंसमेंट करेगा।